स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में देबू स्टेक गाइड। तो दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अनबॉक्सिंग ऑफ Redmi 9 Prime। ये मैं Amazon से लिया हूँ और ये फ्लैश सेल में ही मुझे मिला है। तो फ्लैश सेल में लेने का एक ट्रिक है, वो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए इसका पैकेट तो बहुत ही अच्छा है, ये इसका इनवॉइस और ये है पैकेट। तो इसके लिए कोई शिकायत मुझे नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा पैकिंग है। आप इसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो देखिए इसका अच्छा खासा सील है, जो पैकेट है बहुत ही मजबूत सा बना है। नाउ इस सील को हम ब्रेक करते हैं। हाँ, तो दो तरफ से दोनों सील है, ये ब्रेक हो गया। तो इसे सावधानी से आप खोलते हैं, देखते हैं अंदर में क्या दिया गया है बॉक्स के साथ। तो दोस्तों मैंने खोल दिया हूँ ये बॉक्स और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा पैकिंग है। इधर ऊपर के साइड में एक पैक है और उसके नीचे मोबाइल है। मोबाइल भी एक अच्छा सा पॉलीथीन के अंदर पैकेट होकर आता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली पिक्चर के तरह ही है, मैट फिनिश है, बहुत ही सुंदर दिखने में है। और इसके पैक के साथ एक 10 वाट का नॉर्मल सा पावर अडैप्टर चार्जर दिया गया है। और इसके साथ जो चार्जर का प्लग है टाइप सी केबल, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा है। तो इससे आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो आप 18 वाट का फास्ट चार्जर भी ख़रीद सकते हैं, पर बॉक्स में नहीं है। तो इस पैकेट में देखते हैं क्या है। पैकेट में एक यूज़र मैनुअल है, इधर आप वारंटी क्लेम भी शायद है, हाँ, और एक ऑर्डिनरी सा बैक कवर दिया गया है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर। आप चाहे तो और भी अच्छा क्वालिटी का खरीद सकते हैं, नॉट एन इशू। और ये फ़ोन तो बहुत ही अच्छा खासा दिखने में लग रहा है। तो देखिए दोस्तों एक पिन है सिम ट्रे को ओपन करने के लिए। सिम ट्रे इसका हाइब्रिड टाइप का है, दो सिम और एक एसडी कार्ड सपोर्ट करता है। तो फ़ोन को आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बड़ा स्क्रीन है, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा है। ऊपर की तरफ एक लाइट सा इफेक्ट और नीचे की तरफ बहुत डीप सा इफेक्ट और ओवरऑल मैट फिनिश है। P2 का कोटिंग दिया गया है जो स्प्लैश प्रूफ है, वाटर का छींटे वगैरह लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगा आपको। इसका वेट भी कम ही है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ज़्यादा बल्की फील भी नहीं होता है हैंड में, अच्छा खासा पकड़ में रहता है। तो पीछे की तरफ से तीन कैमरा अलाइन है और दूसरे जो कैमरा है वो मैक्रो कैमरा है। और फिंगरप्रिंट भी तो इसमें है, जो वाटर ड्रॉप नॉच टाइप का फ्रंट कैमरा और सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखने में ओवरऑल लुक बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे, बट स्टार्ट से पहले इसको हम फुल चार्ज करेंगे। कोई भी मोबाइल फर्स्ट टाइम यूज़ से पहले उसे फुल चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हैंड में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ग्रिप भी बहुत ही अच्छा है, इसके लिए कोई दिक्कत और इशू नहीं है आपको। तो ये जस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन में तो बहुत ही अच्छा है। कॉर्नर 3 गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है, इंफ्रारेड भी है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है इसका बहुत ही अच्छा है, सॉलिड क्वालिटी का है। अब देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो हाँ, फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पावर बटन भी काम कर रहा है, देखिए फिंगरप्रिंट तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था ओवरऑल, अब मैं डिटेल्स इसका रिव्यू दूंगा तो एक वीक इसको यूज़ करने के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ब्राइटनेस को मैं मैनुअली घटा देता हूँ, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।